आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बदायूं पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राम नरेश सिंह का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया, तो इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांधे। इसी के साथ सूबे की योगी सरकार में सभी बूचड़खानों व भूमाफियाओं के खिलाफ स्पेशल टीम गठित करने की कार्रवाई का काम करने को बताया, तो इसी के साथ उन्होंने अपराध पर जल्द नियंत्रण करने की बात भी कही। जब कभी कभार होता है, जब हम पूरी समग्र व्यवस्था को दुरुस्त करने लगते हैं, तो जो अवशेष पड़े हुए पिछली सरकारों के हैं, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उस घटना को अंजाम दिया, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जो उसमें ढिलाई बरतेगा उसको किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मात्र 2 महीने का समय मिला, हमने अधिकारियों को समय दिया था अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, कानून व्यवस्था बिगड़ने न पावे। अधिकारियों की लापरवाही से हुआ, उन्हें कड़ा दंड दिया गया, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न दोहराई जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। हरदोई में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सतीश महाना ने भाजपा के 3 साल पूरे होने पर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया, तो पत्रकारों से बातचीत भी की, जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए योगी सरकार को सबके साथ सबका विकास करने की बात को कहा। आर्थिकता की जवाबदेही समाजवादी पार्टी सरकार को ही जाती है। इसने अपने सरकार के दौरान जिस तरीके से गुंडे, माफिया, अपराधी और अराजक तत्वों को सत्ता का संरक्षण दिया था, सत्ता के संरक्षण में जिस तरीके से अपराध करने की खुली छूट दी थी और सरकार पूरी की पूरी मौन होकर के बैठी थी, उसी की देन है कि आज भी कुछ गुंडे मनबड़ होकर के इस प्रकार की हिमाकत कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि वहाँ पर उनको संरक्षण मिलता था, यहाँ कोई कितना भी शक्तिशाली गुंडा, माफिया, अराजक तत्व क्यों न हो, वो कानून के हत्थे चढ़ेगा, जेल में जाएगा, कानून उसको सजा देगा। सूबे के प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन मानते हैं कि सूबे में कानून व्यवस्था लचर है, लेकिन उनका कहना है कि जल्दी हालात बेहतर होंगे। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जल्दी दुरुस्त होगा। मुख्यमंत्री जी ने कठोर निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है, किसी को भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, न इसको बर्दाश्त किया जाएगा। आगरा के अतमौतला में युवक की लाश मिलने से परिजनों में आक्रोश था, तो उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद सबको सड़क पर रखकर कानपुर आगरा मार्ग को जाम कर दिया और हंगामा काटा। बताते कि मृतक राहुल पशुओं की खरीद फरोख करता था, तो परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या को अंजाम देकर सबको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, तो पुलिस ने जाम खुलवाने को हल्का बल प्रयोग भी यहाँ किया। एतमादपुर थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन पर एक डेड बॉडी मिली थी, वहाँ उसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ से आने के बाद डेड बॉडी को इन्होंने यहाँ हाईवे पर रख दिया और जाम लगा दिया। इनसे बार बार पूछा जा रहा था क्यों जाम लगा रहे हैं, तो कोई साफ जवाब नहीं दे रहे थे, महिलाओं को आगे कर देते थे और कई बार समझाया गया कि भाई आपका मुकदमा नहीं लिखा गया, कोई शिकायत है, हम आ गए हैं, SDM साहब आ गए, बात बताइए, नहीं मान रहे थे। फिर इनको वहाँ से हाईवे से हटाया गया है और डेड बॉडी को जो है उसके लिए क्रिमेशन के लिए भेजा गया। आगरा के शाहगंज के खेरिया मोड़ पर कुशवाहा ढाबा में काम कर रहे किशोर की लाश फांसी पर लटकती मिली, तो परिजनों ने ढाबा संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू की है। बुलंदशहर में 7वीं की छात्रा के अपहरण के बाद 3 दिनों तक बंधक बनाकर बलात्कार का मामला सामने आया। अब पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को नामजद किया है, तो छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा गया है। सिद्धार्थनगर के प्रभारी मंत्री चेतन सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, तो विभागवार अधिकारियों से जानकारी भी ली, तो साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने की उनको हिदायत दी गई। इसी के साथ मंत्री जी ने जिला उद्यान विभाग और पर्यटन विभाग के कामों में तेजी लाने को कहा। मुजफ्फरनगर के SSP अनंत देव ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनको चिन्हित कर कार्रवाई की बात को कहा, तो साथ ही जिले में स्पेशल टीमें बनाकर अपराध पर लगाम लगाए जाने की बात कही गई। इसी के साथ SSP अब तक 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। जनपद में जातिगत एवं संप्रदायगत सद्भाव कायम रहे, दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारी सरकार की प्राथमिकताएँ हैं, निष्पक्ष जांच और विवेचना कराना, माफियाओं का चिन्हीकरण करके उन पर कार्रवाई करना,
महिला संबंधी अपराध पर नियंत्रण करना, एंटी रोमियो स्क्वाड को इफेक्टिव बनाना, पीड़ित जो थाने पर आ रहे हैं, हम लोग के पास आ रहे हैं, उनको त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिले। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में 4 मंजिला इमारत पर काम कर रहा मजदूर अचानक नीचे आ गिरा। बताते हैं कि 11,000 की लाइन से करंट पास होने के चलते उसको झटका लगा और वो नीचे आ गिरा। गनीमत यह रही कि वो जहां गिरा तो वहां रेत का ढेर था। अब उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यहाँ बिल्डिंग निर्माण में ठेकेदार द्वारा मजदूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।